हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली क्वांटम रिलिम आर्मर के बारे में, यानी कि एक ऐसा सूट जो कि टाइम ट्रेवलिंग में मदद करता है। तो सबसे पहले इसमें रिलीज हुआ है ब्लैक विडो का, तो देन एक ही अंतर दिखाई नजर आता है ब्लैक विडो का, वो है बालों का, यानी कि बालों का कलर चेंज है, सूट बिल्कुल सेम है, लोगो ब्रांडिंग बनाया गया है। देन प्लस वेलकरी, काफी फैंस को उम्मीद थी कि वेलकरी कहां पर है, तो सूट से पता चलता है कि वेलकरी जिंदा है और देन वो मरी नहीं थी एवेंजर इंफिनिटी वॉर में। देन उसके बाद रॉकेट, तो काफी फैंस ने इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर एंड गेम के बीच में रॉकेट को काफी मिस करा और ट्रेलर में भी नहीं देखे, तो रॉकेट का भी ऑफिशियली लुक आ चुका है। रोनिन, तो रोनिन से एक बात सीधी पता चलती है कि उनका कोई भी रेस्क्यू आर्मर या कोई भी क्वांटम रिलिम सूट नहीं होगा, वो टाइम ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, यानी कि उसका पार्ट नहीं है। देन थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ, काफी कमाल का गजब का सूट लग रहा है और इन्फिनिटी वॉर के बाद तो ये मेरे फेवरेट बन चुके हैं इन्होंने धमाकेदार एंट्री के साथ। देन उसके बाद हल्क, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्क के पास अपना खुद का सूट होगा और एक वेपन भी होगा जो कि एक पत्थर का टुकड़ा है और देन एक लकड़ी के टुकड़े से जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि इसका क्या यूज होगा। देन उसके बाद स्पाइडरमैन का भी लॉन्च हुआ है, देन कैप्टन अमेरिका, देन काफी कमाल के लग रहे हैं, और प्लस ब्लैक पैंथर, तो मुझे लगता है कि ये टाइम जंप की निशानी है जो कि आगे पीछे सूट दिखाई गई है। उसके बाद लास्ट फाइनल लॉन्च हुआ है थेनोस का, जिसके साथ एक वेपन भी है, तो ये फुल आर्मर है जो कि काफी कमाल का लग रहा है। देन ये सारे पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पेज पे कर दिए हैं, आपको देखने तो आप जाके देख सकते हो। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।